मुलायम सिंह यादव का नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा बिगड़े बोल आजम के नजर आए, जिससे मालूम चला कि आजम वाकई में अब समाजवादी पार्टी से अपना दूसरा विकल्प ढूंढ रहे। लेकिन वो विकल्प भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो विकल्प समाजवादी पार्टी से अलग अब शिवपाल सिंह यादव की भी पार्टी नहीं, यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी नहीं, क्योंकि प्रगतिशील समाज पार्टी के साथ वो जुड़ने का फैसला तभी लेते जब उन्हें अपनी तरफ से वाकई में देखा जाए तो इस पर अपनी बात रखने का मौका मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आजम खान ने विधानसभा आए वो, लेकिन आपको बताना चाहेंगे खास तौर पर देखा जाए तो खबर तो ये भी आई कि मुलायम सिंह यादव के पास उनका नंबर नहीं है, उन्होंने कहा। जब मुलायम सिंह यादव ने उनसे हालचाल नहीं की, मुलायम सिंह यादव का रवैया आजम खान को लेकर बदला सामने आया है। आजम मुलायम से बहुत दुखी है, मुलायम सिंह यादव से मिले धोखे से दुखी है, आजम ने अपनी बातों से ये साबित कर दिया। जी हां, विधानसभा की लॉबी में कुछ देर रुकने के बाद लिफ्ट से भूतल पर उतरे और विधान भवन से आजम खान चले गए थे। उनके पुत्र अब्दुल्ला जरूर वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया जब बीजेपी के विरोध में समाजवादी पार्टी बजट सत्र के दौरान नजर आए थे, खूब आवाज़ उठाते। ऐसे में आप सबको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, शपथ लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष से बाहर निकलकर आजम की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा मंडप में दाखिल हुए। अब यहाँ पर आप सबको बताना चाहेंगे आजम खान की वो बातें। जी हाँ, आजम ने तंज भरे अंदाज में कहा था, नीति जी के पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं होगा इसीलिए उन्होंने बात नहीं की। तंज तो मुलायम पर उन्होंने कसा, तो मुलायम के साथ आगे वो अपना सफ़र शायद नहीं बढ़ाएंगे। इन सब के बीच हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से आजम ने एक बार और गुस्से में अपनी बात रखी है। आजम की ये बात तो आपने सुनी, पार्टी छोड़ने के सवाल पर आजम ने कहा माकूल कश्ती जब सामने आएंगे तो वो पार्टी छोड़ेंगे। और वो माकूल कश्ती क्या है? कांग्रेस पार्टी है बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बसपा से ज़्यादा सीट हासिल की, भले ही एक सीट से आगे हो लेकिन बसपा। जी हाँ, मायावती जिस पार्टी की सुप्रीमो है, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो उस पार्टी में आजम नहीं शामिल होंगे, क्योंकि वो पार्टी तो पूरी तरह से सबसे पीछे रही है। सिर्फ एक ही सीट बसपा को मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस को दो सीटें मिली, तो सपा के बाद कांग्रेस पार्टी का बसपा से आगे कद है, इसीलिए वही कश्ती पर सवार आजम होना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आजम बैठेंगे या नहीं, इस पर अगर सवाल किया जाए तो बिल्कुल आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन आजम खान को कांग्रेस में जुट जाना चाहिए। लोगों ने अपनी राय भी इस पर रखी और आजम अगर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो लोग उनसे नाराज़ नहीं होंगे, लोगों ने अपनी बातें इस पर रख दी है। आजम खान को लेकर अपनी बात लोगों ने रखी है और तस्वीर भी देख सकते हैं आप। आजम ने कहा था कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज़ काफ़ी है, यानी कि मैंने किसी दूसरी कश्ती की तरफ से देखा तक नहीं है, सवार होना तो बहुत दूर की बात, लेकिन अब अंदाज़ा ये हुआ है कि सलाम दुआ सबसे रखनी चाहिए, यानी कि उन्हें दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तैयार है, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है तो वो उसके लिए तैयार है। तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को सपा द्वारा राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर आजम ने कहा है सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें होगी। तो कांग्रेस को लेकर इस तरह की खुशी जाहिर करना, सीधे देखा जाए तो आजम खान का इस तरह के स्टेटमेंट देना इशारा करता है तो कांग्रेस की तरफ वो बढ़ने से पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।